नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़े 1005 हो गए हैं। आज के अपडेट के अनुसार 6 नए मामले सामने आए, जिसमें खगड़िया और सिवान के लोग शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में ये आंकड़े बीते एक सप्ताह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। बीते एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सप्ताह में 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। और ये मामले ज़्यादातर, यूं कहें कि लगभग सभी मामले, उन मजदूरों में पाए गए हैं जो मजदूर बाहर से लौटे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेकर एक डाटा जारी किया गया है, वो तमाम जानकारी हम आपको देंगे कि बिहार में 416 मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये अभी जो, हालांकि काफ़ी संख्या में मजदूर वापस लौटे हैं, कई लाख मजदूर बिहार वापस लौट चुके हैं। ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा था कि मजदूर कोरोना लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी बिहार में कोरोना मिल ही रहा था। लेकिन इस वक्त जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डाटा जारी किया गया, उस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वह पूरी समरी दिखाई गई है कि जितने भी ऑल माइग्रेंट पॉजिटिव केसेज हैं वो बताया गया है कि किस जिले के कितने हैं और किस राज्य से कितने लोग आए थे। अगर हम सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला जो है वह आपको नालंदा है। इसके अलावे भी कई ऐसे ज़िला हैं, यानी खगड़िया ज़िला, अगर खगड़िया और बेगूसराय, ये दो ज़िले ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। खगड़िया में 32, बेगूसराय में 30। तो तमाम ज़िलों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अरवल में टोटल केसेज हैं 11, औरंगाबाद में टोटल केसेज हैं 9। ये सभी वो मजदूर हैं जो बाहर से लौटे हैं। बांका में 8 हैं, बेगूसराय में 30 मजदूरों में कोरोना निकला है, भागलपुर में 17, भोजपुर में 10, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 8, गया में 3, गोपालगंज में 8, कटिहार में 4, खगड़िया में 32, किशनगंज में 6, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 15, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 15। सबसे बड़ी बात, मुजफ्फरपुर में बीते 6 दिनों से तीन तीन करके मरीजों की पहचान है, वहाँ पर कुल आंकड़े 18 हो गए हैं। तो 15 मरीज जो हैं वह सभी मजदूर हैं। नालंदा 26, नवादा 18, पटना 33, पूर्णिया 11, रोहतास 24, सहरसा 11, समस्तीपुर 8 और सारण 3, शेखपुरा 10, शिवहर 2, सीतामढ़ी 5, सिवान 6, वैशाली में 1, पश्चिमी चंपारण में 19, सुपौल में 6, जहानाबाद में 16, बक्सर में 3, जमुई में 1, कैमूर में 1 और लखीसराय में 1। मतलब जो अब तक जितने भी कोरोना पॉजिटिव है उसमें मजदूरों की संख्या जो बाहर से लौटे हैं उसकी जानकारी इसमें दी गई थी। तमाम डेटा इसमें बताया गया है कि किस जिले से कितने लोग जो मजदूर हैं वो संक्रमित हैं। बिहार में जिस तरीके से तमाम ज़िले संक्रमित हो गए, एक दो ज़िला बचा हुआ तो वो भी काफ़ी तेज़ी से संक्रमित हुआ भी एक सप्ताह में। अब हम आपको वो तमाम लिस्ट भी दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन जिन राज्यों से लोग लौटे हैं उन राज्यों से कितने लोग कोरोना को लेकर लौटे हैं। छत्तीसगढ़ से 6 लोग लौटे हैं, 6 कोरोना पॉजिटिव लौटे हैं। गुजरात से 98 लोग लौटे हैं। आपको पता है गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है। हरियाणा से 21, झारखंड से 3, मध्य प्रदेश से 1, महाराष्ट्र से 92 भी आपको पता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र जो है बिहार का, भारत का सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य अभी है। न्यू दिल्ली से 129 लोग कोरोना पॉजिटिव लेकर लौटे हैं। राजस्थान से 9, तेलंगाना से 6, उत्तर प्रदेश से 20, वेस्ट बंगाल से 22, केरला से 1, पंजाब से 3, तमिलनाडु से 1 और कर्नाटका से 4 लोग। ये सभी लोग शामिल हैं जो कि बिहार लौटे हैं ये सभी, और ये सब कोरोना संक्रमित लोगों की बात कही गई। हालांकि अब तक लगभग 2 लाख लोग बिहार वापस लौट चुके हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से, राजधानी एक्सप्रेस से और भी कई साधन जो शुरू हो गए हैं उस सभी माध्यम से बाहर से बिहार लोग लौटने लगे हैं। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान हो गए थे तो उन्हें वापस लाया गया। ऐसे में अब काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव भी बिहार आए हैं और इस तमाम लोगों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई। आप बन रहे हैं टाइम्स बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।